क्या आप जानते कि पांच जन्य शंख जो श्री कृष्ण के पास द्वापर युग में था उसमें कितनी शक्ति थी और वो शंख आज के समय पर कहाँ है। दरअसल भगवान श्री कृष्ण जब पांच जन्य शंख को बजाते थे ना तो उसकी आवाज कई किलोमीटर दूर तक चली जाती थी। कहते कि महाभारत युद्ध में जब भी शत्रु सेना इस शंख की आवाज सुनती थी ना तो सभी कांपने लग जाते थे क्योंकि इसकी आवाज शेर की गर्जना से भी ज्यादा भयानक थी। इसमें फूंक एक जगह मारो और आवाज पांच जगह से निकलती थी। ये शंख पहले हरियाणा में स्थित पराशर ऋषि के आश्रम में रखा हुआ था। 20 अप्रैल 2013 को वहां से ये शंख चोरी हो गया और आज तक इस शंख के बारे में कोई भी कुछ नहीं जानता। पर जब ये शंख आश्रम में रखा हुआ था तब बहुत से गांव वालों ने इस शंख को देखा था और बजाने की कोशिश भी की थी, पर कोई भी इस शंख को बजाने में कामयाब नहीं हो पाया। और कुछ लोगों का मानना है कि ये शंख आज भी आदि बद्री में सुरक्षित रखा हुआ है। इतनी पावर थी केवल एक शंख में। तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिख दीजिए।